सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की पूजा दर्शन करती हुई। ये तस्वीरें हल्द्वानी से तस्वीरें मिल रही हैं जहां मंदिर पहुंचे हैं मुख्य काली मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां इस वक्त सीएम धामी को आप देख रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए हल्द्वानी के इस मंदिर में पहुंचे हैं जहां माता के दर्शन उन्होंने किए हैं। माता के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना सीएम धामी ने की है। सुबह सुबह हल्द्वानी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें सामने आई जहां मुख्य काली मंदिर में वे पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की है। आज हल्द्वानी के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह सुबह वे मुख्य काली मंदिर पहुंचे, यहां उन्होंने माता के दर्शन किए, मंदिर में पूजा पाठ की। हल्द्वानी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें सामने आई जहां आज वे हल्द्वानी के दौरे पर हैं। यहां कई कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है। शुरुआत उन्होंने मुख्य काली मंदिर से की है जहां उन्होंने माता के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद वे मंदिर से बाहर आए। उस दौरान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां अधिकारी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद हैं। मंदिर पहुंचकर उन्होंने माता के दर्शन किए, वहां मौजूद पंडित पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्हें पटका पहनाकर का सम्मान भी किया। इस दौरान मुख्य काली मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की पूरे विधि विधान के साथ, जहां हाल ही में सीएम धामी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और उसके बाद आज हल्द्वानी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। और चलिए अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड स्थित रामनगर में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में कुल 10 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ और 9 लोगों की जान चली गई। नदी में गिरी कार को ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे। हादसे में जिंदा बची एक लड़की को रामनगर सरकारी अस्पताल भेजा गया है। कार पलटने से 9 लोगों की मौत की खबर है जबकि एक महिला इसमें सुरक्षित बची है लेकिन अस्पताल में अभी वो भर्ती है। रामनगर की तस्वीर जहां ढेला नदी में पानी आने से आप देख सकते हैं कैसी स्थिति बनी है। यहाँ कार पलटने में 9 लोग इसकी चपेट में आ गए, 9 लोगों की जान चली गई जबकि एक महिला इसमें रेस्क्यू की गई है जो कि अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ पर्यटक और कुछ स्थानीय लोग सवार थे। कई लोग पंजाब के रहने वाले थे। रामनगर के ढेला नदी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है जहाँ कार पलटने से 9 लोगों की जान चली गई है। पानी के तेज बहाव के चलते ये कार पलट गई। सुबह तकरीबन 5:30 बजे ये हादसा हुआ है। पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं ये सभी लोग, इसमें कुछ स्थानीय लोग भी बताए गए। ये रामनगर में हादसा हुआ है और ये हादसे की गाड़ी भी आप देख सकते हैं जिसे फिलहाल ट्रैक्टर की मदद से खींचने की कोशिश की जा रही है। सुबह 5:30 बजे ये हादसा हुआ। आसपास के लोगों ने पहले यहाँ इन लोगों को बचाने का प्रयास किया, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। महज एक लड़की को अभी तक सुरक्षित बाहर निकाला गया है क्योंकि अभी अस्पताल में भर्ती है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे दानिश हमारे संवाददाता का। दानिश बताएं इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या अपडेट है अभी तक इस हादसे को लेकर। और देखिए मैं रामनगर के सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर उन तमाम 9 बॉडियों को लाया गया है। जो लड़की घायल थी उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है और हमारे साथ इस वक्त रामनगर के तहसीलदार हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का यह हादसा था और अभी की क्या अपडेट है। सर क्या अपडेट है, कैसा हादसा था, कितने लोगों की मौत हुई है और अभी क्या है? नाला आने से मौके पर जो है 9 लोगों की डेथ हुई और एक जो है उनमें से जो है रेस्क्यू करते थे सरकारी चिकित्सालय में लाया गया है और यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है नाजिया का, जो कि रामनगर की रहने वाली है। बाकी जो 9 लोग थे उनकी डेथ हुई। सर हादसे की वजह क्या रही, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा है एक बड़ा हादसा है, हादसे की वजह क्या रही और किन पहलुओं पे आप आगे की जांच कर रहे हैं? जो भी यहाँ पे रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनकी इंक्वायरी चल रही है।
बाकी जो भी डिजास्टर जो मिटिगेशन मेजर्स हैं प्रॉम्प्टली यहाँ पर मैन और मटेरियल रिसोर्सेज और पूरी विलेज लेवल पर जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और जल्दी हो पुलिस वहाँ पर और जो भी अन्य पहलू हैं उनकी जाँच उपरांत जो है बिल्कुल जांच की जा रही है, लेकिन दुखद यह हादसा है। ये तस्वीरें भी एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे पानी कितने तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रहा है, और बताया जा रहा है कि जैसे ही ये पानी तेज गति में आया ये गाड़ी पलट गई। 10 लोग पुल इसमें सवार थे जिनमें से एक महज महिला बची है, उसका रेस्क्यू किया गया है जो अस्पताल में भर्ती है। बाकी 9 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे, और एसडीएम का इस हादसे पर क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। सवा 5 के बीच में एक गाड़ी जो है ढेला से रामनगर की तरफ आ रही थी और वो अनियंत्रित होकर वो जो रपटा है उसके नीचे जो है नदी है उसमें गिर गई, और अभी तक जो उसमें जो बॉडी रिकवर हुई है उसमें 6 महिलाओं की बॉडी रिकवर हुई है और उसमें 3 पुरुष हैं और 1 महिला उसमें जिंदा बची है जो अभी हॉस्पिटल में है जिसका इलाज चल रहा है, जिसका नाम नाजिया है। प्रत्येक दर्शी है उसके हिसाब से ड्राइवर थोड़ा तेज़ी में था और उससे गाड़ी पलटी है, जो प्राइमरी स्पेशल अभी की बातें पता चली। और जो पुरुष हैं वो पटियाला के तरफ के बताए गए हैं, तो जाँच अभी जारी है, जो जाँच पूरी होने के बाद ही बाकी बातें बताई जाएंगी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई जिसकी तैयारियां उत्तराखंड में अब चल रही हैं। आज कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। आज हरिद्वार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ी बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु बैठक लेंगे। दोपहर 12:30 बजे मेला भवन हरिद्वार में ये बैठक होगी। यहाँ गढ़वाल कमिश्नर, डीजीपी, डीआईजी हरिद्वार, पौड़ी समेत कई जिलों के डीएम, एसएसपी बैठक में मौजूद रहेंगे। संबंधित सभी विभागाध्यक्ष भी बैठक में बुलाए गए हैं। आज होने वाली बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर फाइनल रणनीति तैयार होगी। सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था, डाक कांवड़ और अन्य तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो कांवड़ यात्रा पर भी आज बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जो कुछ चुनौतियां कांवड़ यात्रा चलने के दौरान रहती हैं, उस पर अधिकारियों के साथ बैठकर आज रणनीति तैयार की जाएगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज राणा का। इस वक्त हर की पैड़ी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये जहां आप मौजूद हैं ये एक बड़ा स्थान है जहां पर कांवड़ के जो श्रद्धालु कांवड़ यात्रा शुरू होती है और जो इसमें श्रद्धालु आते हैं यहां भारी संख्या में पहुंचते हैं। पहले वहां की भी तस्वीरें दिखाएं, वहां कैसी व्यवस्था है, और दूसरा बताएं कि आज ये जो बड़ी बैठक होने जा रही है इससे इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरह की तैयारियों को इस वक्त जहन में रखा जा रहा है। अनु, देखिए ओवरऑल आज कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। पिछले एक महीने के दौरान जो भी बेहतर काम किए गए हैं, किस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर मैनेजमेंट किया जाना है, वो सभी की समीक्षा यहाँ की जाएगी, क्योंकि हरिद्वार में सबसे ज़्यादा क्राउड कांवड़ यात्रा पर रहने वाला है। 14 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, और हर की पौड़ी पर आज की क्या स्थिति है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में यहाँ पर जो तमाम ऐसी असुविधाएँ हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको बेहतर करना होगा। इन्हीं तमाम चीज़ों की मुख्यमंत्री आज समीक्षा करेंगे। मेला भवन में ये 12:30 बजे करीब समीक्षा बैठक शुरू होगी। सभी यहाँ के जिला अधिकारी के साथ साथ सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, डीजीपी मौजूद रहेंगे, मुख्य सचिव एस एस संधू इस बैठक में मौजूद रहेंगे, उसके अलावा पौड़ी और टिहरी और देहरादून के डीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इन सभी डीएम से समन्वय बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ ही हरिद्वार में क्या व्यवस्थाएं हैं उनको चाकचौबंद करने के निर्देश दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। देखिए हर की पौड़ी का ये नज़ारा है। यहाँ देखिए ये आज का सामान्य दिन है और यहाँ आज कोई बड़ा स्नान नहीं है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं माँ गंगा की आस्था में आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन 14 तारीख को जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो यहाँ
यहाँ पर इससे 10 गुना ज़्यादा भीड़ इस वक्त यहाँ हो जाएगी। तो ऐसी इन स्थिति को देखते हुए यही समीक्षा बैठक आज की जाएगी, उन तमाम चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर अगर यात्री आते हैं, चाहे शिव भक्त यहाँ आते हैं जलाभिषेक के लिए, तो उनको किस तरह से यहाँ मैनेजमेंट किया जाना है, ट्रैफिक प्लान क्या होना है, उसके अलावा शिव भक्तों को कहाँ से एंट्री मिलेगी और कहाँ से उनकी निकासी होगी, ये सब प्लान हो जाएंगे। सामने वाला जो आप पुल आप देख रहे हैं, ये पुल सीधे शहर को कनेक्ट करता है, यह मुख्य बाजार है और मुख्य बाजार में पूरी तरह से ये कांवड़ यात्रियों का प्रतिबंध किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पिछले साल महाकुंभ का आयोजन हुआ था और महाकुंभ के आयोजन के दौरान यहाँ पर ऐसे कई अस्थायी पुल बनाए गए थे जहाँ पे जो अखाड़ों के लोग थे उनकी एंट्री की जाए, तो ये प्लान तैयार किया जा रहा है कि इन पुलों के माध्यम से आप देखेंगे तो सामने एक धनुष पुल है और धनुष पुल से ही कांवड़ यात्रियों की यहाँ पर एंट्री की जाएगी। और सामने जो ये आप एक यहाँ पर ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज से नीचे आएंगे और यहाँ से सीधे वो गंगा से गंगा जल भरेंगे और उसके बाद इनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस तरह के लगभग यहाँ पर 5 पुल बनाए गए हैं अन्नू, और उन पुलों से ही शिव भक्तों की एंट्री की जाएगी। उसके अलावा क्योंकि सबसे ज़्यादा शिव भक्त हैं वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के अलावा उत्तर प्रदेश से आएंगे, तो उनके साथ साथ जो सीमा बॉर्डर एरिया है, जैसे बिजनौर है, सहारनपुर है, उसके अलावा हिमाचल का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की जानी है, क्योंकि एक इस बार बेहतर व्यवस्था ये बनाई गई है, जो भी कांवड़ यात्री यहाँ पर आएंगे उनका वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, यानी कि उनको अपना पहचान पत्र देना होगा, उनको अपना एंट्री कार्ड वहाँ पर देना होगा और एक सूची तमाम शिव भक्तों की बॉर्डर एरिया पर दी जाएगी। तो इससे काउंटिंग की पता लग पाएगा कि कितने कांवड़ यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई है, तो इस बार तकरीबन 4 करोड़ के करीब शिव भक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उन्हीं सभी को लेकर आज मुख्यमंत्री अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे, पिछले दौरान किस तरह का काम किया गया है उसकी समीक्षा करेंगे, फीडबैक लेंगे और आगे के निर्देश देंगे कि आगे कांवड़ यात्रियों के लिए बेहतर प्लान तैयार किया जाए। अनु बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं आगे, देहरादून में विधानसभा भवन के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है। विधानसभा भवन के निर्माण को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुकी है। आपको बता दें कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने से निर्माण का काम अटका हुआ था। पिछली कांग्रेस सरकार में गैरसैंण और देहरादून में एक नए विधान भवन बनाने का निर्णय हुआ था, लेकिन 1 दशक तक फॉरेस्ट से अनुमति का प्रस्ताव फंसा रहा और अभी देहरादून के CDO के विकास भवन के अंदर विधानसभा चल रही है और ऐसे में अब जल्द ही इस भवन का निर्माण होगा क्योंकि यहां फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुकी है। 1 दशक से ये पूरा प्लान लटका हुआ था क्योंकि अनुमति नहीं मिली थी और अब यहां वन विभाग से ये अनुमति मिल गई है, ऐसे में अब ये काम जल्द ही पूरा होगा। नए विधान भवन के बनने से जहां एक बड़ी राहत मिलेगी, और विनोद कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हैं। विनोद, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं कि आखिर किस वजह से पूरा मामला अटका हुआ था और अब जब क्लियरेंस मिल गई है तो कितनी जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। अनु देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो जो भी विधानसभा सत्र देहरादून में होता था वो CDO का विकास भवन है। विकास भवन बहुत छोटी सी जगह है, उसमें ही चाहे बजट सत्र हो या तमाम अन्य सत्र हो उस पर ही सत्र का निपटान किया जाता था, निपटारा किया जाता था। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से यानी भारत सरकार की ओर से नए विधानसभा भवन, नए सचिवालय भवन और आधारभूत सुविधाओं के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है, यानी नए भवन का निर्माण, नए सचिवालय का निर्माण अब जल्द से जल्द देहरादून के रायपुर क्षेत्र में हो सकेगा। इसके लिए वे जो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से 60 हेक्टेयर जमीन का जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। और आपको ये भी बताया कि तमाम दिक्कतें विधानसभा सत्र के दौरान देहरादून में होती थी, तो अब 60 हेक्टेयर में नया विधानसभा बनेगा, नई विधानसभा बनेगी, नए सचिवालय भवन बनेंगे, नए ऐसे जो आधारभूत सुविधाएं हैं जिसमें तमाम अधिकारी कर्मचारियों के लिए भवन बनते हैं, तो तमाम ये व्यवस्था अब देखने को मिलेगी और जल्द ही उत्तराखंड में नई विधानसभा बनने जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि जब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के समय में ये प्रस्ताव तैयार किया गया था कि विधानसभा भवन दूसरी जगह हो, यानी रायपुर के क्षेत्र में 60 हेक्टेयर जमीन पर विधानसभा भवन और सचिवालय भवन अब बनने जा रहा है, जिसकी भारत सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई है। हालांकि अभी कांग्रेस का यानी विपक्ष का क्या रिएक्शन रहता है अनु, क्योंकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है और विपक्ष ये भी दावा करता है, आरोप भी लगाता है कि अब तक ना किसी अधिकारी ना किसी कर्मचारी की तैनाती वहाँ हुई है, केवल पुलिस की एक बटालियन वहाँ रहती है और करीब 500 से 600 करोड़ की जो लागत है वो गैरसैंण में लगी थी। तो ये
जरूर है कि जब विधान भवन नए सचिवालय भवन देहरादून में बनेगा तो विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा, लेकिन एक बड़ी बात है कि जो सीढ़ियों के दफ्तर में अब तक विधानसभा बजट सत्र हो या तमाम अन्य सत्र होते थे, अब वो दूसरे और एक दूसरों देखे जा सकता था, वो आखिरकार निपटा है। शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। सुबह 10:15 बीईजी हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रामनगर में इंडस्ट्रीज स्टेट कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हल्द्वानी में सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, साथ ही विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन के लिए कई तैयारियों की समीक्षा भी की गई थी। साथ ही कानून व्यवस्था और अन्य मामलों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि मलबा आने से जो भी सड़कें बंद होती हैं उन्हें तत्काल खोला जाए। समीक्षा बैठक में जल निगम के मुख्य अभियंता नहीं पहुंचे, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। यही नहीं, कुछ अधिकारी आंकड़े सही तरीके से नहीं रख पाए, जिस पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की। जून माह में यहाँ आया था, तब भी मैंने बैठक की थी और आज उसी बैठक का रिव्यू किया है। अभी आपदा का समय क्योंकि हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारे प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में भूस्खलन होता है, कहीं सड़कें बह जाती हैं, कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है, उसके कारण से हर वर्ष नुकसान होता है। इसलिए मैंने सभी अधिकारियों के साथ बात की, समीक्षा की है। उधर अगली खबर रुड़की में मासूम बच्ची और मां से हुए गैंगरेप मामले से जुड़ी है, जहां पुलिस गैंगरेप के आरोपियों को अब रिमांड पर लेगी। बड़ी जानकारी, पुलिस सभी आरोपियों पर उनका डीएनए टेस्ट भी कराएगी। कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर इसकी अनुमति मांगी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रुड़की में मासूम बच्ची और मां से हुए गैंगरेप मामले में, जहां पुलिस गैंगरेप के आरोपियों को अब रिमांड पर लेगी और पुलिस अभी सभी आरोपियों के डीएनए टेस्ट कराने की कोशिश में है। इस बाबत कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अनुमति मांगी गई है। जो अभियुक्त हमारे द्वारा जो गिरफ्त में लिए गए थे, जिनको अभी पुनर्वास में लेके उसमें जो आईओ है और उसमें जो हमारे जो भी इसमें कार्य कर रहे हैं विवेचना में, उसमें इनको लेके इनका जो डीएनए मैचिंग का भी अभी कार्रवाई की जानी है, तो जाहिर सी बात है उसमें डीएनए सैंपलिंग के लिए भी भेजा जाएगा उसमें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।